चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू। कराची में पीएसएल मैच की तैयारियां मुकम्मल। नेशनल स्टेडियम के चारों एतराफ पुलिस और रेंजर्स ने सिक्योरिटी संभाल ली। नेशनल स्टेडियम जाने वालों को चेकिंग करके इजाजत दी जा रही है, जबकि दूसरी एतराफ से पैदल जाने वालों इमरजेंसी में ट्रैफिक को इजाजत है। नेशनल स्टेडियम में क्रिकेट शायकीन की आमद शुरू। बका न्यूज से गुफ्तगु करते हुए कहा कि पीएसएल मैच और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छे इंतजाम हैं। मैं बोलता हूं कि पीएसएल जो हो रहा है यहां पे चल रही कामयाब होना चाहिए और वर्ल्ड कप भी पूरे यहाँ पे होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और इंशाल्लाह ये मैच हमारा कामयाब जाएगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी भी लगी हुई है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और जो क्रिकेटर आए हैं उनको वेलकम करते हैं, जो नहीं आए उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आ जाएं और यहाँ पे आके क्रिकेट इंजॉय करें। पाकिस्तानी आवाम का कहना है कि वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान अमन का गहवारा है। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। जी, इस वक्त मैं नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल सामने पुल पे मौजूद हूँ और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के कितने अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त आपको क्योंकि हम दिन में आए हैं और मैच शाम को शुरू होगा पीएसएल, तो यकीनन अभी लोग आ रहे हैं, रफ्ता रफ्ता लोग यहाँ आना शुरू हुए हैं और शाम तक ये पूरा स्टेडियम जो है खचाखच तबाशाइयों से और क्रिकेट शायकीन से भर जाएगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी के हज़ारों के हिसाब से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और चारों एतराफ से इसको पूरा कवर किया गया है। हमारे रेंजर्स के अहलकार और हमारे पुलिस अहलकार यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं। कैमरामैन आमिर के साथ आसिफ शर्मिला, बका न्यूज़, कराची।